सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में 9 विकेट से मात दे दी है। भारत ने 10वीं बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है। दुबई में खेले गए इस महामुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 237 रनों का स्कोर बनाया और भारत को जीत के लिए 238 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में टीम इंडिया ने इस आसान से लक्ष्य को 39.3 ओवर में ही हासिल करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी। शिखर धवन और कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। शिखर धवन ने 100 गेंदों की पारी में 16 चौकों और 2 छक्के, जबकि रोहित शर्मा ने 119 गेंदों की पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाए। रायडू ने 18 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 12 रन बनाए। शिखर के करियर का ये कुल 26वां और टूर्नामेंट में दूसरा शतक है। उन्होंने हांगकांग के खिलाफ भी शतक बनाया था। वहीं रोहित का टूर्नामेंट में ये पहला और कुल 19वां शतक है। रोहित ने 2 जीवन दान का पूरा फायदा उठाते हुए वनडे करियर में अपने 7000 रन पूरे किए। भारत को अगला मुकाबला मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। वहीं पाकिस्तान बुधवार को बांग्लादेश से भिड़ेगा। भारत ने अपने गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान को 237 रनों पर रोक दिया। पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ने सर्वाधिक 78 रन बनाए। मलिक के अलावा कप्तान सरफराज अहमद ने 44, फखर जमान ने 31 और आसिफ अली ने 30 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।